के प्रोडक्शन के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग वाटर वेव की बात करें तो वाटर वेव में जो वेव्स है वो इस तरीके से पैदा होती हैं। इस तरीके की जो वेव है, एक हिस्सा उसका क्रस्ट होता है और दूसरा हिस्सा ट्रफ होता है, यानी कि एक वेव एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर बनती है। ऊपर वाला हिस्सा, ये जो मेन लाइन से ऊपर होता है, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जो मेन लाइन से नीचे होता है, इसे हम लोग ट्रफ बोलते हैं। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट वेव लाइन बनाते एक वेव बनाते हैं, यानी कि एक वेव में अगर क्रस्ट और ट्रफ होगा तो इसकी जो लेंथ है वो 1 लैम्डा होगी। अब देखा जाए तो ये वेव जो है वो किसी न किसी पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही है, प्रोपगेट हो रही है। अगर इसी तरह हो कि एक वेव इस तरह से मूव करे और दूसरी वेव उसी के साथ साथ थोड़े से फासले पर बिल्कुल इसी तरह से मूव करे कि दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते जाएं, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट आपस में मैच कर जाते हैं और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आ जाता है। यानी कि एक मीडियम में अगर दो वेव एक साथ ही चल रही हों, एक साथ ही चल रही हों, एक ही पॉइंट से पैदा हो रही हों, जैसे कि ये वेव ए है और ये वेव बी है, दोनों एक साथ चल रहे हों और इस तरीके से चलें कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के पैरेलल आ रहा हो और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के पैरेलल आ रहा हो, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर आ जाता है और इसका ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आ जाता है। जैसे कि इस तरह से ये वेव ए है हमारी और सिमिलरली ये वेव बी है। अब जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो तो वेव जो है वो ऐड हो जाती हैं और इनकी एडिशन से एक वेव बनती है जिनका एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इन दोनों वेव ए और जो वेव बी है उनका कंबाइन इफेक्ट होता है। इस चीज़ को हम सुपरपोजिशन कहते हैं, मतलब कि दो वेव का इकट्ठा मिलकर एक बड़ी वेव बना देना, इस चीज़ को सुपरपोजिशन कहते हैं। अब चूंकि वेव ए का क्रस्ट और वेव बी का क्रस्ट आपस में मिल गए हैं तो एक बड़ा सा क्रस्ट बन जाता है जिसे ए प्लस बी क्रस्ट कह देना चाहिए, और ट्रफ भी सिमिलरली इसी तरह बहुत बड़ा बन जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है क्योंकि ये वाला ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर आ जाता है और ट्रफ की लेंथ भी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। सुपरपोजिशन का मतलब यही नहीं है कि हमेशा दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो सुपरपोजिशन होती है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जो दो वेव्स हैं आपस में इस तरह से मिलती हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। जैसे कि अगर कोई वेव है, वेव ए इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है और वेव बी जो इसके साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ आ रही है, वो इस तरह से है कि पहले उसका ट्रफ आता है और देन उसका क्रस्ट आता है। वेव बी का पहले आ जाता है ट्रफ और देन क्रस्ट आता है, तो एज अ रिजल्ट होता यह है कि ये दोनों इसका क्रस्ट इसके ट्रफ को कैंसिल आउट कर देता है और वाटर के ऊपर हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं नज़र आती, ना ही कोई वेव प्रोड्यूस होती हुई नज़र आती है। यही वजह है कि अक्सर वाटर में वाटर जो है उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती तो है मगर हमें नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न ये होती है कि शायद उसमें ऐसा फिनोमिना हो रहा होता है जैसे कि सुपरपोजिशन, कि उनमें जो दो वेव्स हैं ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हों जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हों, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर कोई भी जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होती। और अगर दो वेव्स आपस में इस तरह से रिएक्ट करें कि वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको इन्हेंस कर दें, मतलब कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर जब आएगा तो एज अ रिजल्ट एक बड़ा क्रस्ट हमें मिलता है जिसकी वजह से वाटर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सुपरपोजिशन की ही फिनोमिना से प्रोड्यूस होती है। आप सुपरपोजिशन के फिनोमिना को इस तरह से समझ सकते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड यहाँ पर लगा लीजिए और एक रॉड यहाँ पर लगा लीजिए। अब इन दोनों रॉड के अंदर एक स्प्रिंग को लीजिए और अटैच कर दीजिए, जैसे कि ये एक स्प्रिंग है, इसको यहाँ दोनों पॉइंट इस पॉइंट को पॉइंट ए का नाम दे दीजिए और इसे पॉइंट बी का नाम दे दीजिए, अटैच कर दें। अब दूसरा काम ये करें कि आप जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को कहीं दो पॉइंट से उठा लीजिए, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से स्प्रिंग को उठा लूँ और फिर नीचे आ जाए और फिर थोड़े फासले के बाद जो है स्प्रिंग को फिर थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर नीचे आ जाए, यानी कि किसी दो पॉइंट से अगर आप स्प्रिंग को ऊपर की तरफ उठा लें तो फिर उसके बाद जब आपने छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो क्रस्ट है जो स्प्रिंग के अंदर उठे थे ये एक बड़ा क्रस्ट बना देते हैं। इस चीज़ को आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इस चीज़ को हम सुपरपोजिशन कहते हैं कि यहाँ से भी पॉइंट ए से भी हम लोगों ने कर्व ऊपर उठाया स्प्रिंग के अंदर से और पॉइंट बी से भी, और जब दोनों को छोड़ देते हैं तो एज अ रिजल्ट दोनों आपस में उनके कंबाइन कर देते हैं और एक बड़ा सा क्रस्ट बना देते हैं। इस चीज़ को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं।
सुपरपोजिशन के लिए दोनों जो वेव हम इस्तेमाल करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए और वेवलेंथ भी, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारी वेव ए है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और ये उसकी वेवलेंथ है, तो जो वेव टू हम लोग लेंगे, कि ये वेव ए है तो वेव जो टू लेंगे हम, वेव वेव बी है जो ये, वो भी बिल्कुल उसी की वेवलेंथ और उसी की फ्रीक्वेंसी जितनी होनी चाहिए, तभी ये जो दोनों है ये इन फेज होंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा वो इन फेज आएगा। अगर तो दोनों के एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ ही साइमल्टेनियसली चल रहा है तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास वेव लेंथ बनेगी या वेव आएगी वो इस तरह से आएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं इन फेज होना, मतलब कि अगर एक वेव का क्रस्ट एट अ टाइम दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो इसे हम लोग इन फेज कहते हैं, और इस चीज़ को हम सुपरपोजिशन भी कहते हैं। लेकिन सुपरपोजिशन में भी दो चीज़ें होती है, एक इन फेज होना और एक आउट फेज होना। जब दो वेव इस तरह से आपस में मिले तो इसे हम लोग इन फेज कहते हैं, लेकिन अगर दो वेव इस तरह से मिले कि उसमें भी दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, लेकिन फ़र्क क्या हो कि एक वेव का क्रस्ट जो है वो दूसरी वेव के ट्रफ से, जैसे कि ये हमारी वेव ए है और हमारी जो वेव बी है वो इस तरह से ले लीजिए कि पहले उसका क्रस्ट है और फिर ट्रफ आए इस तरीके से, तो इस तरीके से होता ये कि ये दोनों आउट ऑफ फेज है क्योंकि पहले का क्रस्ट आ रहा है और फिर ट्रफ, और जो दूसरी है उसका पहले ट्रफ आ रहा है देन उसका क्रस्ट, तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आता वाटर के ऊपर, और इस चीज़ को हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास वाटर के ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होती, ये इस तरह से आपस में मिलती हैं ये इस तरह से, और उसके बाद जो दूसरी वेव है वो तकरीबन इस तरह से आती है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहिए इजीली समझाने के लिए, कि ये अगर मेरी एक वेव है ये मेन लाइन के ऊपर इस तरीके से, ये मेन लाइन है और दूसरी वेव जो है वो इस तरह से आती है कि वो यहाँ से इस तरह से शुरू होती है, ये उसका पहले ट्रफ बनता है और देन क्रस्ट इस तरीके से आता है, ये हमारी वेव ए और ये हमारी वेव बी। तो इस तरह से जब ये दो वेव आपस में मिलती हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर आए तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वाटर के ऊपर क्रिएट नहीं होती। सुपरपोजिशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं। अगर तो इस तरह से हो, सुपरपोजिशन में भी सम इम्पॉर्टेंट केसेस आते हैं, जैसे कि इसके कुछ केसेस ये हैं कि अगर तो दो वेव्स हैं और दोनों जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो और वेवलेंथ भी सेम हो और वो साइमल्टेनियसली मूव करें, यानी कि ये वेव ए है ये वेव बी है, तो इनके इस तरह से मूव करने से दो काम हो सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि अगर दो वेव्स हैं सेम उनकी फ्रिक्वेंसी और सेम वेवलेंथ है तो जो उनकी सुपर पोजिशन है उसे हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस भी दो तरह की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, इसे भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मजीद डिटेल में। और सुपरपोजिशन का जो दूसरा केस है वो ये आता है कि अगर एक ही लाइन के ऊपर दो वेव्स इस तरह से मूव करें कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, लेकिन वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि अगर ये एक वेव है आपकी इस तरह से मूव करिए इस डायरेक्शन में और दूसरी वेव जो है वो इसी लाइन के ऊपर मूव करे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे, यानी कि वो इस तरह से मूव करे इस तरीके से, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं ये स्टेशनरी वेव्स हैं, ये स्टेशनरी वेव्स हो जाती हैं हमारे पास, और ये सुपर पोजिशन की ही कैटेगरी में आता है, और ये वाली चीज हमारे पास इंटरफेरेंस हो जाती है, ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है और वो स्टेशनरी वेव्स हैं। और अगर दो वेव्स इस तरह से मूव करें कि उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम हो लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की वो स्लाइटली डिफरेंट हो और वो भी एक साथ ही साइमल्टेनियसली मूव करें, यानी कि अगर ये वेव ए है और हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव बी से डिफरेंट हो और ये भी साइमल्टेनियसली मूव करें तो ये आपस में बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बीट्स। बीट्स में जो है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स में ऐसा होता है कि दो वेव्स होती हैं एक ही लाइन के ऊपर मूवमेंट करती हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और स्टेशनरी वेव में फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है वेव लेंथ भी, बस फर्क पड़ता है कि वो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती हैं। और जो इंटरफेरेंस है उसमें दो वेव्स होती हैं आइडेंटिकल वेव्स होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है वेव लेंथ भी सेम होती है
और जब वो आपस में एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली मूव करती हैं तो दो चीज़ें कर सकती हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव वेव्स बनाती हैं या डिस्ट्रक्टिव वेव्स बनाती हैं। तो ये जो है सुपर पोजिशन के कुछ केसेज हैं। तो सुपर पोजिशन आखिर है क्या और इसके डिफरेंट केसेज क्या हैं? तो होप सो आपको काफ़ी हद तक सुपर पोजिशन के बारे में समझ आ गई होगी कि जब दो वेव इस तरह से मिलें तो या तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर दें या फिर एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो इस चीज़ को हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव कहते हैं।